दार जी का क्या इरादा, जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिल्कुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। सिद्धार्थ जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो सारे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल जी, आज मैं एक रिमोट लोकेशन में हूँ, एक वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर करके जगह है, वहां पे हूँ मैं। एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने आया हूँ, तो जब स्पेशल लोकेशन में हूँ तो स्पेशल स्टॉक लेके आया हूँ, और वो है IDFC फर्स्ट बैंक। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आप बता रहे हैं आप काफी रिमोट लोकेशन पे, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं पैनल पे, आपका रिमोट किसके पास होता है जनरली? अनिल जी, रिमोट तो हमारे ही हाथ में रहता है। हैं? किसके? मेरे ही हाथ में रहता है अनिल जी। आपका, यू आर नॉट रिमोट, आपका रिमोट। देखो आप बता दो, नहीं तो मैं पोल करके बतवा दूंगा, अभी पूछ लूंगा सबको, तो फिर आपकी पोल खुल जाएगी, खुद ही बता दो। नहीं नहीं अनिल जी, हम खुद ही रिमोट अपने हाथ में लेके घूमते हैं। वो तो किसी दूसरे का होगा ना। आपका किसके पास है? नहीं नहीं अनिल जी, हमारा तो हमारे पास ही है। चलो ठीक है, हम सब समझ गए। कौन कौन समझ गया, हाथ खड़ा करो। देखो सब समझ गए, परफेक्ट, ओके, सबके समझ आ गया, नो आंसर नीडेड, ओके। हाँ, अब बताओ IDFC के बारे में। जी बिल्कुल अनिल जी, और IDFC फर्स्ट बैंक खरीदना है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 95 का, 95 का पोजिशनल टारगेट होगा 114 का, 114 का। डाइवर्सिफाइड रिटेल सेटअप की बैंक है। अब उन्होंने जो लार्ज डिपॉजिट्स की जो संख्या है वो भी कम कर दी है, करीबन 12% पे आ गया 37% से। इंफ्रा फोकस जो हुआ करता था वो भी नीचे आ चुका है। सो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन पूरे रिटेल पे आ चुका है, और हम मानते हैं कि रिटेल और SME का ड्राइव 25% लोन ग्रोथ ला सकता है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। रिटर्न ऑन एसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े या रेशियो गिने जाते हैं, वो करीबन 1.4% पे देखे जा रहे हैं FY25 पे, फ्रॉम 1.1% नाउ। फोकस मल्टी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जहां पे हाई यील्ड है, तो IDFC फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 95, पोजिशनल टारगेट 114। तो ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक का 114 के बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से। ट्रेडिंग के लिए 95 बट पोजिशनली 114 तक के। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। बताएं सर, खरीदारी की राय है अनिल जी। डालमिया भारत पे सीमेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट की कंपनी है। टारगेट आपको रखना है 2417 का, 2417 का एक ही मात्र टारगेट है। आज ही नतीजे आए हैं और नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं। 44 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, और नतीजों की बात करें तो मुनाफा 160% से बढ़ते हुए दिखा। सबसे बड़ी चीज, वॉल्यूम 7% बढ़ के आए 6.2 MMTA, और हम मानते हैं कि आने वाले समय में एबिटा पर टन 46% से बढ़ के 955 पर टन दिखेंगे। और ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ काफी दमदार दिख रही है, और मैनेजमेंट एम कर रही है कि 1.5x इंडस्ट्री के मुकाबले ग्रो करे, और वॉल्यूम्स में बहुत बड़े ग्रोथ आ सकते हैं। तो डालमिया भारत मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं। 2417 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। 2417 ये है टारगेट डालमिया भारत के लिए। आइए खरीदारी करने की राय आपके लिए आती दिख रही है, बनाने की उम्मीद। LNT हमेशा से क्यूमिंस और दोनों ही स्टॉक मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी के बड़े फेवरेट, काफी पुराने रहे। सिद्धार्थ जी जरा एक बार आपकी राय चाहिए इन पर। बिल्कुल अनिल जी, और ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ये टैंक के सेगमेंट में एंट्री मिल जाएगी LNT को, और ये काफी पॉजिटिव रह सकता है LNT का ऑर्डर बुक के लिए। साथ ही साथ क्यूमिंस, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में अगर कोई लीडिंग हो वो क्यूमिंस है इंजन मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंजन के हिसाब से क्यूमिंस अपना योगदान जरूर देगी। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक स्टॉक और भी है जो ये दोनों ही कैटेगरी में अच्छी फिट बैठते हैं, वो है भारत फोर्ज, क्योंकि आर्टिलरी सप्लाईज में भारत फोर्ज भी डिफेंस में काफी आगे है। तो ये तीनों ही कंपनियां मैं मानता हूं कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अव्वल नंबर हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, तो नजर रखिए,
एलएनटी के लिए अच्छी खबर है और कमिंस के लिए अच्छी खबर है, बाकी जो भारत में डिफेंस कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की उनके लिए भी अच्छी खबर है। इस बीच एक बार कोचिन शिपयार्ड को भी जरा पुलअप करिए, एक कंटिन्यूइंग ऑर्डर इन्हें मिला है रेट्रोफिटिंग के लिए, जो इनके लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले अपडेट आया था जाने कोचिंग शिपयार्ड का सवाल है, और देखिए स्टॉक थोड़ी देर पहले आपको एक रिएक्शन बनते हुए दिखा था, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है स्पाइक करने के बाद। आई थिंक सिद्धार्थ जी के भी रेडार पर है। सिद्धार्थ जी एक बार कोचिंग शिपयार्ड पर नजर डालें सर। जी डेफिनेटली, इन टर्म्स ऑफ नेवी सप्लाईज की अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड मजगांव डॉक, गार्डन विच शिप बिल्डर्स, ये तीनों ही सेगमेंट की कंपनियां बहुत अच्छी है। और कोचिन शिपयार्ड तो एक बहुत अच्छा स्टॉक और एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। अगर आपने ले रखा है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें बेचने की। मैं मानता हूं कि डिफेंस के जिस हिसाब से ऑर्डर्स है और कोचिन शिपयार्ड में जो नेवी के पर्सपेक्टिव से जो ऑर्डर बुक स्वेल हो रहे हैं ये काफी लंबा चल सकता है, तो आप जल्दबाजी ना करें निकलने की, होल्ड रख सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, होल्ड करिए, यह है। तो डिफेंस स्टॉक्स एक बार फिर से इस स्पेस के लिए आपको अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। देखते हैं अब यहां से किस तरह का मोमेंटम यहां पर बनता है, बट तब तक सिद्धार्थ जी हैं तैयार बिगुल सुपरसेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, अभी फेस्टिव का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, मैरिज सीजन है, सेंको गोल्ड पे खरीदारी की राय है। सेंको गोल्ड लिस्टिंग की कंपनी है। सेंको गोल्ड टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 680 का, 680, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 770। सेंको गोल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है ईस्ट इंडिया में, डोमिनेट करती है ईस्ट इंडिया में, 85 और स्टोर्स है ईस्ट इंडिया में, स्ट्रॉन्ग ब्राइडल ज्वेलरी का सेगमेंट है इनका, 50-55% का डिमांड ब्राइडल ज्वेलरी से आता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइज्ड प्ले 20% सीएजीआर से कंपनी ग्रो हो रही है, जबकि सेगमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 14% से। ये एक्सपैंड करने की योजना कर रही है ज्योग्राफिकली, दूसरे डिरेक्शन में जाने की, ईस्ट के बाहर भी जाने की, और बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है करीबन 13-14%। मुझे लगता है कि सेंको गोल्ड बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन, ये अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 680 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 770 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट। पोजिशन से लॉन्ग टर्म टारगेट भी आ रहा है 770 का, फिलहाल 680 के टारगेट के लिए खरीदारी करें सेंको गोल्ड, ये आपको मोमेंटम में दिखेगा। सिद्धार्थ जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? तिमाहियों से लगातार एफआईज बेचे थे और इस तिमाही में वेदांता में एफआईज और लोकल फंड दोनों की तरफ से स्टेक बढ़ी है, क्या हो सकते हैं कारण? देखिए अनंत जी, डीमर्जर तो है ही, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कुछ एक बिजनेसेस जैसे कि वेल्स के बिजनेस है, क्रूड के बिजनेस है, मेटल्स का जो बिजनेस है, इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल जरूर दिख रहा है, बट ऐसा कोई स्पेशल कोई एट्रीब्यूटेड रीजन नहीं है कि इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा स्टेक बढ़ा दिया हो। बट हम मानते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। यस, कभी कभी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैलेंजेस जरूर आ जाते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि बिजनेस डायनेमिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है। यह है वेदांता पर आपके लिए राय। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, धन्यवाद आप चारों का। सिद्धार्थ जी, जैन साहब, आशु सर और सचिन जी का भी दिल से शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आपसे होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। दीप आपके साथ तैयार है क्योंकि सोमवार की शाम है और दीप आपको बताएंगे सैमको मंथली अपडेट। बस आ रहा है सर, स्टूडियो में हमारे तीन खास मेहमान मिलने वाले हैं, मंथली इंडेक्स एसर्स जो है।